मैं कभी यहाँ नहीं पहुंचा। आपका स्नेह, आपका प्यार, यही मेरी ताकत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव को किस तरह से पटना साहिब के भाजपा कार्यकर्ता सम्मान कर रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना साहिब से, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता जो हैं उनके सम्मान और अभिनंदन में लगे हुए हैं। इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से जमकर पटाखे छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरह से नंद किशोर यादव जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके सम्मान में किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माला जो है वो नंद किशोर यादव जी के सम्मान में यहां पर भाजपा कार्यकर्ता 72 किलो का माला जो है यह भाजपा कार्यकर्ता नंद किशोर यादव के सम्मान में यहां पर लेकर पहुंचे हैं। ये भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि यह मानसलामी मंडल के तरफ से भाजपा नेत्री अंजलि राय के तरफ से यह माला जो है 72 किलो माला जो है वो नंद किशोर यादव के सम्मान में लाया गया। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नंद किशोर यादव को पटना साहिब में अर्थात उनके पटना साहिब विधायकी क्षेत्र में उनका सम्मान किया जा रहा है। हालांकि वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें नंद किशोर यादव जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है वो कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करते और सम्मान जिस तरह से किया जा रहा था नंद किशोर यादव का, वो किस तरह से भावुक हो गए और कार्यकर्ताओं को बोलते समय किस तरह से वो भावुक है, वो भावुक क्षण भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं जहां पर नंद किशोर यादव अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मान अपना भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किस तरह से भावुक हो गए, पहले उस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है, पटना साहिब की जनता का सम्मान है। आज अचानक जब मेरे साथ नहीं होती मैं कभी यहाँ नहीं पहुंचा। आपका स्नेह, आपका प्यार, यही मेरी ताकत। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे हम दिखा रहे हैं पटना साहिब विधायक से, पटना साहिब से जहां पर आपने देखा और सुना कि किस तरह से नंद किशोर यादव जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किस तरह से भावुक हो गए। देखिए यहां पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता, उनसे हम जानते हैं कि कितना खुशी है। जी बहुत खुशी है, मतलब इसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत खुश हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि विधानसभा जो पटना साहिब विधानसभा है उसमें उत्सव का माहौल है और लोगों में बहुत ही खुशी और एक गर्व भी है कि हमारे जो विधायक हैं, अभिभावक हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं भाजपा परिवार की तरफ से। और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और कि उनका आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे और वो ऐसे ही अपने और बिहार का विकास में अपना योगदान ऐसे ही देते रहे। बहुत बड़ी राजनीतिक पारी नंद किशोर यादव ने खेली और अब जाकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए, क्या कहना है? सबसे पहले तो हम केंद्रीय लोगों को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज जमीन से जुड़े हुए नेता नंद किशोर यादव जी, जिन्होंने बहुत बड़ा लंबे समय तक संघर्ष किया और आज उनको इस सम्मान देने का, बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाने का जो काम किया है, इसमें पूरे पटना साहिब के मतलब कार्यकर्ता जो है, मैं हर्षोल्लास है, बहुत खुशी है और जो है बहुत नंद किशोर यादव जिंदाबाद। और कार्यकर्ता उनसे भी राय ले लेते हैं, बताइए। खुशी हमारे पटना साहिब की आन बान शान और बुलंद आवाज जो आज विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, इसके लिए पटना साहिब नहीं पूरे बिहार में उत्सव का माहौल है और हम लोग उनका स्वागत के लिए आए हैं मिलने के लिए अध्यक्ष जी को। आपके हाथों में देख रहे हैं कि माला है, क्या कितना? ये 72 केजी का माला है। और केजी क्यों? उनका
मैंने जो साल है जो 72 साल के हो गए हैं, इसीलिए हम लोग उनके 72 किलो का माला उनको पहनाने का कार्य कर रहे हैं। नंदकिशोर यादव जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि पटना साहिब से सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो कि नंदकिशोर यादव बने हैं उनके सम्मान में किस तरह से उनमें खुशी देखी जा रही है। और यह चूंकि 72 साल के नंदकिशोर यादव हो गए हैं तो 72 किलो का ये माला जो देखिए सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं, नंदकिशोर यादव जी का सम्मान यहाँ पर हो जा रहा है चूँकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने दिखाया है कि किस तरह से पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव, चूँकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो उनके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से सम्मान और अभिनंदन करने में लगे हुए थे। हालांकि यादव, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना सिटी।